देश भर में आज धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा में लोग जुटे हुए हैं। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाया जाता है और ये अलग अलग तस्वीरें भी इस मौके पर आप देख रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती संग विवाह किया था। इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान भक्त कैसे भगवान शिव की पूजा में जुटे हैं ये तस्वीरें। अंबिकापुर में भक्तों की भारी भीड़। शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। जांजगीर चांपा में महाशिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध कलेश्वर नाथ मंदिर में भक्त उमड़ रहे हैं। बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। मुंगेली के लोरमी शिव घाट पर भी भक्तों की भीड़। मनियारी नदी के तट पर स्थित नर्मदा कुंड में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु सुबह से पहुंच रहे हैं। 7 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का आयोजन यहां पर चल रहा है। गरियाबंद में कुलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। राजिम के त्रिवेणी संगम पर स्थित कुलेश्वर महादेव का मंदिर दूर दूर से भक्त यहां पहुंचते हैं। मान्यता है कि वनवास काल के दौरान माता सीता ने अपने हाथों से जो शिवलिंग यहां पर बनाई थी उसके पूजन अर्चन के लिए लोग पहुंचते हैं। कवर्धा के शिवालयों में भी भक्तों का तांता। भोरमदेव शिव मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रायपुर में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। महादेव घाट स्थित हटकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर, खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जांजगीर चांपा में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व में अंचल भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही यहां महाकालेश्वर की नगरी पीथमपुर में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु की भीड़ लगी हुई देख सकते हैं आप। महाकालेश्वर लगभग प्राचीन मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। 200 वर्षों पुराने मंदिर है। यहाँ पे महाकालेश्वर की नगरी में आकर लोग अपने मनोकामना पूर्ण कराते हैं। हम कुछ भक्तों से बात करते हैं कि यहाँ किस तरह की मान्यता है। जी बताएंगे यहाँ किस तरह की मान्यता है और कितने दिनों से आप आ रहे हैं यहाँ। मैं हमेशा हर सोमवार को प्रति सोमवार को यहाँ आता हूँ दर्शन के लिए। बाबा कालेश्वरनाथ की आस्था बहुत है यहाँ लोगों के। यहाँ आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही विश्वास रखते हैं और आस्था का अटूट विश्वास है बाबा कालेश्वरनाथ के ऊपर। अच्छी व्यवस्था भी की गई है प्रशासन की तरफ से और सभी खूब अच्छे दर्शन कर रहे हैं। भगवान की आस्था बहुत है यहाँ शिव के ऊपर। कुल मिला के यहाँ भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और भारी संख्या में यहाँ भीड़ हुई। हम पुलिस प्रशासन से भी बात करते हैं कि किस तरह की यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है सुरक्षा को लेकर भक्तों की, ताकि समझते हो। जी सर बताएंगे किस तरह की व्यवस्था यहाँ भक्तों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रखी गई। पुलिस की भारी संख्या में भी यहाँ जवान तैनात हैं। करीब यहाँ 40 का बल तैनात है जो कि चारों तरफ ड्यूटियों पर लगा हुआ है। मंदिर प्रांगण में भी करीब 12-14 लोग अंदर से तैनात है क्योंकि बाहर से लोग जब ड्यूटियाँ चल रही हैं यहाँ पे लोग नहा दर्शन कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पे बाहर के जो लूटपाट वगैरह करने वाले लोग आते हैं उनके ऊपर सख्त नज़र रखी गई है। बार बार बिलाउंस वगैरह भी किया जा रहा है तो लगातार यहाँ भक्तों के लिए व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा। साथ ही भक्तों का यहाँ जमावड़ा आप लोगों ने देखा। कैलाश कश्यप, न्यूज 18, जांजगीर चांपा। खबर भोपाल से, पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। पहली काउंसलिंग में 2200 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे हैं। 2200 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे हैं। सेकंड राउंड की काउंसलिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। खाली पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। 9 मार्च से सेकंड राउंड की काउंसलिंग होनी है।